अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो तैयार करेंगे। हमने मैदा लिया है 2 कप, हमीर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच और नीम गर्म पानी डो गूंदने के लिए। एक बर्तन में आधा कप पानी, हमीर और चीनी डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें नमक और मैदा डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और नरम सा डो गूंद लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 6 से 7 मिनट तक डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पाँच से 6 मिनट तक हमने डो को गूंद लिया है। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके 1 से 2 घंटे तक किसी गर्म जगह पर राइज होने के लिए रख देंगे। पिज़्ज़ा डो अच्छी तरह से राइज हो गया है। अब इसको हम हल्का सा पंच कर लेंगे। और इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे और पेड़े को ग्रीस की हुई पिज़्ज़ा ट्रे में फैला देंगे। हाथों से या बेलन से इसको बेल के इस तरह फैला दें। पिज़्ज़ा डो को पिज़्ज़ा ट्रे पर बिछा दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये मज़ीद राइज हो जाए। पिज़्ज़ा पर टॉपिंग आप अपनी पसंद की कर सकते हैं। हमने 3 से 4 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ली है, 1 कप चेडर और मोज़ेरेला चीज़, आधा कप श्रेड की हुई चिकन टिक्का, आधा चाय का चम्मच ओरिगानो, 3 कलर की स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्चें, 4 से 5 कटे हुए काले जैतून। अब पिज़्ज़ा डो पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब इस पर चीज़ डाल देंगे। अब इस पर शिमला मिर्चें, श्रेड किया हुआ चिकन टिक्का, कटे हुए काले जैतून, अब दोबारा इस पर चीज़ डाल देंगे। अब इस पर ओरिगानो डाल देंगे। पिज़्ज़ा को ओवन में बेक करने रख देते हैं। ओवन को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट पहले फ्री हीट कर लिया था। पिज़्ज़ा को 15 से 20 मिनट तक ओवन में बेक कर लेंगे। पिज़्ज़ा हमने ओवन से निकाल लिया है, इसकी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको काट लेंगे। पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।